पहुंची हुई मतदान करने के लिए? यही रायपुर से। रायपुर में कहाँ से? रायपुर में रायपुरा से। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या आपको दिख रहा है महिलाओं के प्रति देखा जाए? हाँ, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे जागरूक हुए हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितनी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है उससे बहुत सारी महिलाएं प्रभावित हुई है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी तरह से कई महिलाओं के लिए और योजनाएं हम कर सकते हैं, जैसे रोजगार के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महिला मतदाता है, तो महिला मतदाओं में एक उत्साह भी देखा जा रहा है, सुबह से देखिए जिस तरह लाइन लगी हुई है, क्या कहेंगे? महिलाओं का वैसे शुरू से ही मैंने देखा है कि महिलाओं का रुझान वैसे भी रहता है हमेशा से, आपने देखा होगा इतने सालों से हम रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो वैसा ही इस साल भी है, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे। मतदान केंद्र में सुविधा को देखा जाए तो क्या इस बार बदलाव दिखा आपको? सुविधा तो सर हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड होते रहता है जी, तो इस साल भी ठीक ही है। अच्छा, आप कितने बजे से पहुँचे? लाइन में लगी हुई है? नहीं, मुझे 15 से 20 मिनट हो चुका है। अच्छा अच्छा, रायपुरा में आपका पूरा नाम? सोनाली वैद्य। रायपुरा में कहाँ से आए? रायपुरा में ही हमारा घर है। लोग लगभग यहाँ पर पौन घंटे हो गए। तो क्या इस बार अलग दिखा आपको मतदान केंद्र पर? मतदान केंद्र में तो अभी तो हम लोग बाहर हैं तो वैसे तो नॉर्मल है, सुविधाएं अच्छी हैं, पानी वगैरह की बर्फ़ की सब व्यवस्थाएं हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, थोड़ा समय तो लगता ही है। इस बार जो निर्वाचन आयोग ने कुछ अलग व्यवस्था की है पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो? हाँ, पानी वगैरह की कुछ ऐसा लग रहा है कि किया है, पंडाल है जी, जी। पानी व्यवस्था है, ठंडे पानी की है। आपका पूरा नाम? मेरा राम गोपाल कौशल। कहाँ से आए हैं मतदान करने? यही रायपुरा। रायपुर में कहाँ से? रायपुरा, सत्यम विहार कॉलोनी रायपुर। क्या आपने मतदान कर लिया? नहीं, कब से खड़ लगी हुई लाइन में? अभी 10 मिनट्स हुआ है बस। 10 मिनट्स। मतदान को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आप अपना नाम बता दीजिए। युक्ता। आप कब से आई हुई मतदान करने के लिए? मैं अभी आई हूँ। क्या कुछ मतदान केंद्र में कुछ इस बार बदलाव दिखा? नहीं, ठीक है वैसी है जैसे रहता। महिलाओं को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? अब इतना नहीं बोल सकते। हम मतदान करने पहुँचे हुए हैं जी। अभी मतदान कर लिए आप? नहीं, करेंगे अभी। कब से लाइन में लगे हुए हैं? आधा घंटा हो गया। और मतदान को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतदान केंद्र में क्या क्या सुविधा देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर? सुविधा तो अच्छी है, अभी हमारे जो यहाँ पे सहयोगी है, मित्रगण है, अभी पानी वानी पिलाए हैं और छाछ वाछ पिलाए हैं, बाकी व्यवस्था तो अच्छी है। पहले की अपेक्षा अभी के चुनाव में क्या बदलाव दिखा? पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में ठीक है, काफ़ी कोई बदलाव ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जो पहले बदलाव नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, पहले जैसा चलता था वैसी सिस्टम अभी भी है जी। ऐसा। आपका पूरा नाम? श्रीकांत नायकर। कहाँ से आए हैं? रायपुरा से। मिल रहा है मेडिकल सुविधाएं बढ़ गई हैं, लोगों के मेडिकल का ध्यान, गर्मी में बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान देखते हुए इस प्रकार की सुविधा देखिए, क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, कोई भी इतने धूप में चल के आ रहा है उसके लिए ये मेडिकल सुविधा है, पानी का व्यवस्था है, छाछ की व्यवस्था है, बहुत अच्छे लग रहा मेरे को। मतदान के दल में क्या किस तरह की व्यवस्था की गई? नहीं, मतदान दल में ऐसा बहुत अच्छा व्यवस्था है, लाइन लगा हुआ है प्रॉपर, सभी लोग बारी बारी से अपना ये में जा रहा है, सभी अपना मत दे के वापस आ रहा है। मतदान कर लिया? हाँ, मैं कर लिया हूँ। आपका पूरा नाम? कली राम साहू। कहाँ से आए हैं? रायपुरा महादेव घाट। आप कहाँ से मतदान करने पहुँची हुई हैं? जी, मैं स्थानीय रायपुर से ही हूँ और आज यहाँ पे वोट देने आई हूँ। और लोगों के बीच सिर्फ एक ही बात चारों तरफ सुनाई दे रही है, पहले मतदान फिर जलपान जी। तो लोगों में एक आते ही, जैसे ही मैं यहाँ अंदर आई तो देख रही हूँ अपार उत्साह है, लोग एक साथ, मतलब जो किसी प्रकार से अशक्त हैं, आ पाने में अक्षम हैं, ऐसे भी लोग पूरे उत्साहित होकर के यहाँ पे, उम्र का कोई बंधन नहीं, सभी प्रकार से लोग, आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सब उत्साहित होकर इस बार मतदान करने आ रहे हैं। एक चीज़ तो दिखी है, ये जो सोशल मीडिया और अन्य अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों ने, एक जो सामाजिक संस्थाओं ने, सब ने एक जो जागरूकता की मुहिम छेड़ी थी वो असर करती दिखाई
दिखाई दे रही है। जी, मतदान केंद्र में सुविधा को लेकर बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है? मतदान केंद्र में छावनी वगैरह मतलब स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे एक मेडिकल जैसा छोटा सा एक टेबल लगा के बनाया गया है, जिसमें लोगों का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जा रहा है, पानी वगैरह की व्यवस्थाएं हैं। तो पहले से हम देख सकते हैं मतदान केंद्रों को थोड़ा उन्नत बनाया जा रहा है। सब एक चीज़ ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि मतदान केंद्र का सेल्फी पॉइंट कहाँ है, ऐसा भी उत्साह लोगों में देखने में आ रहा है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।